हेलो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में अल्काइल नाइट्राइल और नाइट्रो एल्केन को खत्म कर लिया था, नाउ अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ताकि आपकी कंसेप्ट और भी स्ट्रांग हो जाए। तो पहला क्वेश्चन, OHCO CH3 CH2 थ्राइस COOH, इसकी रिएक्शन अगर मुझे SOCl2 के साथ कराना है, नाउ फर्दर इसकी रिएक्शन मुझे NH3 के साथ कराना है, नाउ फर्दर इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में मुझे रिड्यूस कराना है। क्या कराना है बच्चों? रिड्यूस कराना है। तो देखते हैं कि इस रिएक्शन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे बच्चों। तो इस रिएक्शन का सॉल्यूशन समझते बच्चों एक एक करके ध्यान से। तो इस रिएक्शन का सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, देखो OH ग्रुप हट के कौन आ जाएगा बच्चों, यहां पर Cl आ जाएगा। तो इस रिएक्शन का सॉल्यूशन समझते ClCO CH2 3 COCl। नाउ फर्दर इसमें मैंने अगर अमोनिया के साथ रिएक्शन करा दिया तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा और यहां भी अटैक करेगा, ये मैंने आपको बता रखा है। आपको पूरा मैकेनिज्म लिखना है बच्चों, इसमें आपको पूरा मैकेनिज्म वाइज चलना है, ठीक है। आप हमेशा मैकेनिज्म लिख के ही पूरी रिएक्शन को सोल्व करोगे, क्योंकि जब आपको रिएक्शन याद हो जाएगी तो अपने आप डायरेक्ट प्रोडक्ट आप निकालना सीख जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिडक्शन कराता हूँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंट में रिडक्शन कराता हूँ, तो जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि अमाइड ग्रुप आपका किसमें कन्वर्ट होता है, अमाइन में। अमाइड ग्रुप आपका किसमें कन्वर्ट होता है बच्चों, अमाइन में, मैंने बता रखा है। तो यहां पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर आपका बन जाएगा NH2 CH2 CH2 3 CH2 NH2। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में क्या होता है, बस आपको उतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर टू। तो क्वेश्चन नंबर टू हमें क्या बोला बच्चों, यहां पर NH, काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, देखो CH3 COCl के प्रेजेंस में, देन आफ्टर मुझे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में इसको हाइड्रोलाइसिस कराना है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि यहां पर सॉल्यूशन समझते हैं इसका, देखो ध्यान से, काफी इजी क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सोचो, देन आफ्टर आप आंसर देखा करो बच्चों, इससे क्या होगा आपका एक्सपीरियंस होगा। यहां ये बढ़ेगा, ये ऊपर जाएगा, तो यहां से आपका क्या बनेगा बच्चों, CH3 C, यहां पर NH, ये आपका प्लस, ये आपका इस तरीके से कंपाउंड बन जाएगा, और यहां पर O माइनस और यहां पर Cl। अभी आपका नीचे जाएगा, यहां से आपका Cl निकलेगा, यहां से आपका H भी निकलेगा, तो आपका क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O N, ये आपका इस तरीके से कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो आपका अमाइड है ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा बच्चों, आपका अमाइड ग्रुप। अभी आपका अमाइड ग्रुप किसमें कन्वर्ट होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में अमाइन में कन्वर्ट होगा। तो यहां पर CH3, ये आपका किसके क्या हो जाएगा बच्चों, CH2, और यहां पर NH, ये आपका इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है बस। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो एक एक करके सारे क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, और मैं एक डिफरेंट टाइप का डेली में आप लोग ना क्वेश्चन दूंगा बच्चों, आपको करना, आप लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन करो ताकि आपको ऑर्गेनिक कमांड में आ जाए, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन, यहां पर क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये मेरे पास कंपाउंड है NH2OH, इसकी रिएक्शन इसके साथ कराए तो ये आपका ए, नाउ यहां पर आपका बी, यहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के साथ कराया। अब यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन में समझते हैं। ये इसके साथ क्या बनाएगा बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने कई बार आप करा दिया बच्चों, आपको बैकमेन रीअरेंजमेंट के थ्रू कराया, या फिर मैंने आपको नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स में कराया। ये क्वेश्चन मैंने कम से कम आपको 5-6 बार ले चुका हूं, तो अब आपको याद हो जाना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या करना है। तो क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहां पर आपका H2NOH है, यहां पर आपका कंपाउंड कौन सा बनेगा, आपको आपको नाम भी याद होना चाहिए। यहां पर जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम होगा कीटो ऑक्सीन, क्या होगा बच्चों, कीटो ऑक्सीन, ये आपका क्या हो जाएगा, कीटो ऑक्सीन। आपका अगर मैं इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में रिडक्शन कराऊंगा, तो मैंने आपको बताया था फिर से कि ऑक्सीन का जब भी अपन रिडक्शन कराते हैं तो यहां पर आपका क्या बनता है, अमाइन कंपाउंड।
कौन सा कंपाउंड बनता है बच्चों? अमाइन। दिस इज द आंसर ऑफ दिस रिएक्शन। काफी इजी इजी रिएक्शन है बच्चों। अब आपको रिएजेंट याद होनी चाहिए, इतने क्वेश्चन करने के बाद आपको अब रिएजेंट याद होनी चाहिए, ठीक है ना बच्चों? अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। अब यहां पर फोर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3N+ CH3CH3CH3, और यहां पर आपका OH-। अब इसको हीट करेंगे तो आपको क्या प्रोडक्ट बनेगा? बहुत ही अच्छा। अब यहां पर हम इवन CB नहीं लगा सकते, इवन CB लगाने के लिए बीटा पोजीशन देखना पड़ेगा। बीटा पोजीशन, अब देखो बीटा पोजीशन देखना पड़ेगा, क्या यहां पर बीटा पोजीशन है? ये तो अल्फा, ये भी अल्फा, इसके रेस्पेक्ट में ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। अगर बीटा पोजीशन नहीं है तो क्या करेंगे? सिंपल, आपको CH3 को किसके साथ ऐड करना है? OH के साथ, OH। और बचा हुआ रिमेनिंग आपका क्या हो जाएगा? हीट करने पर आपका सोल्ट क्या हो जाएगा बच्चों? टूट जाता है। हीट करने पर आपका सोल्ट क्या होता है बच्चों? टूट जाता है। तो यहां पर सोल्ट आपका टूटेगा तो यहां पर क्या बना लेगा? टर्शरी अमाइन। ये आपका आंसर होगा, ठीक है? काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसको अप्रोच करने का तरीका समझो बस आप लोग, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ द प्रिपरेशन मेथड ऑफ कैप्रोलेक्टम। अब सबसे पहले आपको पता लगाना है कि कैप्रोलेक्टम होता क्या है, ठीक है? तो मैं आज आपको बताता हूं, कैप्रोलेक्टम इज अ मोनोमर यूनिट ऑफ नायलोन 6, ठीक है? कैप्रोलेक्टम आपका क्या होता है बच्चों? पॉलीमर होता है। कैप्रोलेक्टम आपका क्या होता है बच्चों? पॉलीमर होता है, ठीक है? कैप्रोलेक्टम आपका मोनोमर यूनिट है, तो हम क्या बोल सकते हैं? कैप्रोलेक्टम इज द मोनोमर यूनिट ऑफ नायलोन सिक्स पॉलीमर। कैप्रोलेक्टम आपका नायलोन सिक्स पॉलीमर का मोनोमर यूनिट है, सबसे सही बात है, इसका मोनोमर यूनिट है। अब कैप्रोलेक्टम आपका कैसे बनता है उसको समझना। एक्चुअली कैप्रोलेक्टम का स्ट्रक्चर आपका क्या है? कैप्रोलेक्टम आप लोग खुद बनाना बच्चों। कैप्रोलेक्टम का स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ, कैप्रोलेक्टम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है बच्चों, ठीक है? ये आपको खुद बनाना है। इसको प्रिपेयर आप किस तरीके से करोगे, इसका आपको खुद ही प्रिपरेशन मेथड लिखना है, ठीक है बच्चों? ये आप लोग, आई होप कि आप लोग कर लोगे। अगर जिसको नहीं आया तो मैं यहां पर हिंट बता देता हूं, हिंट आप बैकमैन रीअरेंजमेंट से इसको बना सकते हो, ठीक है? एक बार ट्राई करो कैप्रोलेक्टम को आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन समझते बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते बच्चों, एक एक करके। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल भी है और अच्छे भी है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 आपका काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यहां पर CH3COH, ठीक है? इसकी रिएक्शन मैंने डाई एजो मेथेन के साथ करा दी, ठीक है? यहां पर प्रोडक्ट बना और उसकी रिएक्शन मैंने CH3MgBr के साथ करा दिया, और एक बार मैंने उसका रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करा दिया। अब यहां पर आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? दिस इज द क्वेश्चन। काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी इजी क्वेश्चन है। अब देखो इस रिएक्शन को हम कैसे डील करेंगे बच्चों, कैसे डील करेंगे? अब आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने आपको सॉल्यूशन समझना बच्चों, किस तरीके से अप्रोच करना है। अब मैकेनिज्म को आप लोगों को खुद से सोचना है। देखो CH2N, ये आपका इस तरीके से होता है डाइएजो मेथेन, इसके ऊपर माइनस चार्ज। तो यहां पर ये क्या है, ये आपका क्या शो करता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये आपका क्या शो करता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को शो करता है। जब ये आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को शो करेगा बच्चों, तो अब हम इसको किस तरीके से डील करेंगे देखते हैं। देखो जब ये आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को शो करेगा, तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह यहां अटैक करेगा, ठीक है? मैंने आपको बताया था किस तरीके से, डाइएजो मेथेन का एल्कोहल के साथ भी बताया था, वो भी मैं आपको वापस बताने वाला हूँ। पहले इसको समझते हैं एक बार, ठीक है? क्योंकि ये आपका अक्सर पूछ लेता है और काफी इंपोर्टेंट में आता है बच्चों ये वाला, ठीक है? इसको बार बार देखना। ये यहाँ न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, तो यहां पर CH3CO- और यहां पर H, यहां पर CH2N+ डबल बॉन्ड N। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये यहां से टूटेगा और यहां से ये आपका बाहर निकलेगा।
जब ये आपका यहां से बाहर निकलेगा तो ये वाला हाइड्रोजन यहां ट्रांसफर हो जाएगा इन एल्डिहाइड, तो आपका क्या बनेगा बच्चों, CH3CO CH3। तो ये वाला प्रोडक्ट आपका क्या बना, एसीटोन। इस प्रोडक्ट का नाम क्या बच्चों, एसीटोन। ठीक है, नाउ अब इसकी रिएक्शन अगर मैंने CH3MgBr के साथ करा दिया तो आपका क्या होगा, ये यहाँ अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर आपका कीटोन है तो मैं डायरेक्टली बनाता हूँ बच्चों, क्या बनेगा, 3 डिग्री अल्कोहल। यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस भी लिख देता हूँ, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस भी लिख दिया बच्चों। अगर हाइड्रोलाइसिस नहीं होता तो केवल और केवल यहाँ पर MgBr वाला सॉल्ट बना लेता। नाउ अगर मैंने इसकी रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करा दी, अब तो बच्चों आप लोग कर सकते हो, कीटोन आपका किसमें कन्वर्ट होता है, रिड्यूस कराने पर कीटोन आपका 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन था। अब इसी की तरह सिमिलर रिएक्शन हम एक और देखते हैं बच्चों, डाइएजो मेथेन से रिलेटेड, क्योंकि ये अक्सर पूछ लेते हैं और आपको नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चों। अब इसका आपको बताना है आंसर, इसका आप आंसर किस तरीके से बताओगे, थोड़ा सोचो, ध्यान दो, अपने माइंड पे जोड़ दो बच्चों, ठीक है, अपने माइंड पे जोड़ दो। तो क्या होगा बच्चों, देखो यहां पर माइग्रेशन हुआ था, यहां पर आपका क्या हुआ था, माइग्रेशन हुआ था ना बच्चों, यहां पर आपका माइग्रेशन हुआ था, तो यहां पर देखो ये वाला ग्रुप आपको यहां अटैच करेगा, ये ऊपर जाएगा, तो इसके बाद भी है आपका क्वेश्चन, इसकी रिएक्शन आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ भी करानी है और CH3MgBr के साथ। मैं एक और यहां पर भी CH3MgBr हाइड्रोलाइसिस, और यहां पर भी आपका क्या बच्चों, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। थोड़ा सा ध्यान से समझना बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है, एक एक क्वेश्चन को, ठीक है। यहां पर आप जैसे तो देखो, इसने यहां अटैक किया तो यहां पर O माइनस, यहां पर आपका इस तरीके से हो गया CH2N2+, ठीक है, N2+ होता है बच्चों। अब देखो यहां पर जैसे अटैक किया, ये आपका कहाँ जाएगा बच्चों, ये वाला बॉन्ड आपका जाएगा, अब ये वाला बॉन्ड जाएगा यहां, यहां से ये आपका बाहर निकलेगा, और इसके पास कौन माइग्रेट करेगा, ये वाला या ये वाला, किसका माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड ज्यादा है, इसका माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड ज्यादा होने की वजह से ये यहाँ जाएगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर की रिंग बनाओ, 6 मेंबर की रिंग बना दिया बच्चों, 1 2 3 4 5 6। अब 6 पे मैंने मिथाइल ग्रुप लगा दिया, और 2 पर आपका क्या है बच्चों, यहां पर ये कीटोन बन जाएगा, तो इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इसकी रिएक्शन अगर मैं CH3MgBr के साथ कराऊंगा तो आपका क्या बनेगा बच्चों, हाइड्रोलाइसिस कराने पर, अगर मैं CH3MgBr के साथ अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करा दूंगा तो यहां पर CH3O-, ठीक है, MgBr, देन फर्दर अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करा दूंगा तो यहां पर इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन था, सॉरी, यहां पर आपका अल्कोहल बनेगा, यहां पर आपका क्या बन जाएगा, CH3 अल्कोहल, इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। और इसका IUPAC नाम आपको लिखना है, IUPAC नेम आपको लिखना है बच्चों इसका, ठीक है, दिस इज द होमवर्क, हो ये आपका होमवर्क है बच्चों, ठीक है। अब हम समझते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने लिया, यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने यहां लिया बेंजोइक एसिड की रिएक्शन आपको किसके साथ करानी है, CH2N2 के साथ। तो कैसे कराओगे बच्चों, काफी इजी क्वेश्चन है, डाइएजोमेथेन है। अब डाइएजोमेथेन में क्या होगा बच्चों, यहां पर ध्यान से समझना बच्चों, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, काफी अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप लोग ध्यान से समझोगे तो आपको आई होप कि बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं एक एक करके ध्यान से, दिस इज व्हाट, दिस इज अ एसिडिक हाइड्रोजन। अब यहां पर CH2-N+NNN। अब देखो ये आपका, देखो यहां पर O-, यहां पर H+, ये आपका यहां चला जाएगा, ठीक है। नाउ अब आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये मैंने इस आपको मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में लिखाया था ये क्वेश्चन, ये वाला रिएक्शन मैंने लिखाया था, बस एल्डिहाइड और कीटोन के केस में मैंने नहीं लिखाया था, इसलिए मैंने वहां पर बता दिया। और एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है इनामाइन की, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो मैंने आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार रिपीट करेंगे हम, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा माइनस चार्ज, नाउ यहां पर CH3N2+, अब ये यहां अटैक करेगा और ये आपका बाहर निकल जाएगा। दिस इज अ फॉर्मेशन मेथड ऑफ एस्टर, दिस इज अ फॉर्मेशन मेथड ऑफ एस्टर, इस तरीके से हम रिएक्शन करेंगे। तो आज हमने डाई एजोमेथेन के साथ
वो पुराने रिएक्शन को रिवाइज कर लिया है। नाउ अब हम एक और रिएक्शन को देखते हैं बच्चों, उसकी रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ आपको करानी है, जो इसके लास्ट वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7, उसमें मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ आपको रिएक्शन करानी है, ठीक है। अब इसमें केस में क्या करेंगे बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में क्या हुआ कि ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन है इसलिए ऐसा हुआ, अगर आपका एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, ठीक है। क्या होगा सबसे पहले ये हमेशा आप ध्यान रखो कि एसिड बेस रिएक्शन होगा, देन आफ्टर आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपका प्रोसीड होता है। नाउ बच्चों अब हम समझते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 मुझे क्या दिया बच्चों, फिनोल। ये काफी हद तक एक दो बार पूछा भी गया क्वेश्चन है बच्चों, एक दो बार पूछा भी जा चुका है। अब देखो क्या फिनोल में आपका एसिडिक हाइड्रोजन है, तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो फिनोल में आपका एसिडिक हाइड्रोजन है, जब यहां पर आपका एसिडिक हाइड्रोजन है तो यहां पर N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N, अब ये आपका यहां टेक करेगा, नाउ अब आपका क्या बना लेगा बच्चों, ये आपका O माइनस फिनोक्साइड आयन, नाउ यहां पर आपका CH3 और इसको मैंने N2 प्लस लिख दिया, इन दोनों को साथ में N2 प्लस लिख रहा हूं, अब ये यहां टेक करेगा, ये यहां निकल जाएगा, तो दिस इज अ व्हाट, दिस इज अ फॉर्मेशन मेथड ऑफ एनिसोल, ये आपका एनिसोल का फॉर्मेशन मेथड है, दिस इज अ प्रिपरेशन मेथड ऑफ एनिसोल। नाउ बच्चों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इसका, देखो यहां पर देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। अगर मेरा पी एच एस ओ ओ एच के साथ रिएक्शन कराना है मुझे किसका, सी एच टू एन टू का, किसके साथ रिएक्शन कराना है, सी एच टू एन टू का इसके साथ मुझे रिएक्शन कराना है, और ठीक है, और अगर मैंने इसकी रिएक्शन HCl के साथ कराई तो क्या होगा, नहीं सॉरी यहां पर SOCl2 के साथ कराया तो क्या होगा, ठीक है SOCl2 के साथ कराया तो क्या होगा, और साथ में मैंने इसकी रिएक्शन RNH2 के साथ कराया, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, और काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, काफी अच्छा, ठीक है। तो देखते हैं यहां पर आपका क्या बनेगा, सोल्यूबल सॉल्ट, ठीक है, KOH के प्रेजेंस में, तो आपको ये बताना है, ठीक है। अब देखो पहला सॉल्यूशन समझ लेते हैं बच्चों, PHSOOH एसिडिक हाइड्रोजन है, देखो सल्फोनिक एसिड के अंदर बच्चों आपका एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ये मैंने N2 प्लस बना दिया, नाउ अब ये H आपका यहां चला जाएगा, अब आपका क्या होगा बच्चों, PHSOO- और यहां पर आपका CH3N2+, नाउ अब ये आपका यहां टेक करेगा, ये आपका बाहर जाएगा, तो PHSSOCH3 सल्फोनिक एसिड ईस्टर क्या बनेगा, सल्फोनिक एसिड का एस्टर कंपाउंड बनेगा, क्या बोलेंगे इसको, सल्फोनिक एसिड ईस्टर, इसका नाम ध्यान रख लेना, सल्फोनिक एसिड एस्टर कंपाउंड, ठीक है बच्चों, क्योंकि सल्फोनिक एसिड से बना है ना, और यहां पर एस्टर की तरह ओआर जुड़ा है, ऐसे एस्टर की तरह क्या जुड़ा है बच्चों, यहां पर ओआर जुड़ा है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, सल्फोनिक एसिड एस्टर। नाउ अब सेकंड में हमको क्या बोला है, देखो अगर मैंने इसकी रिएक्शन इसके साथ कराई तो ये वाला बॉन्ड हटेगा और यहां पर क्या लग जाएगा, डायरेक्टली Cl, तो यहां पर अगर मैंने सेकंड रिएक्शन कराई तो आपका क्या लग गया बच्चों, ये इस लग गया Cl। आई होप कि आप लोग इसको जानते होंगे, दिस इज हिंसबर्ग रिएजेंट, कल ही मैंने पढ़ाया था। अब इसकी रिएक्शन RNH2 के साथ कराऊंगा तो प्राइमरी के साथ आपका क्या बनाता है, प्राइमरी के साथ बच्चों यहां पर ये आपका क्या बनाएगा, एक कंपाउंड बनाएगा अमाइन के साथ, जब ये यहां पर आपका अमाइन के साथ कंपाउंड बनाएगा तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, PHSOONHR, ठीक है। नाउ इसका अगर मैं KOH के साथ हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो यहां पर जो सोल्यूबल सॉल्ट बनेगा वो आपका क्या बनेगा, NKR, ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन है, इसीलिए ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन को ये आपका OH- ट्रैप कर लेगा। तो इस तरीके से हमने यहां पर कुछ क्वेश्चन के डाइएजोमेथेन से रिलेटेड, अब बच्चों आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब कुछ जो एक्स्ट्रा रिएक्शन है जो आपके अक्सर अब तक नहीं पूछे गए हैं, अब तक आपके कोई भी एक्स्ट्रा कुछ ऐसे रिएक्शन है जो आपको पढ़ाए जाने चाहिए फिर भी अब तक आपसे
ना तो जेई के एग्जाम में आया है ना आपके मेडिकल के एग्जाम में आया है, फिर भी आपको में 3 या 4 एक्स्ट्रा रिएक्शन है, या तो एस्टर का है, ठीक है, कुछ एस्टर के, कुछ आपके एनहाइड्राइड के, वो मैं आपको बताऊंगा एनिलीन और डाइएजोमेथेन कंप्लीट होने के बाद। तो कल हम एनिलीन और डाइएजोमेथेन को कंप्लीट कर लेंगे एरोमेटिक कंपाउंड, तो आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। आई होप कि आपको ये 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। सो थैंक यू सो मच।